एवरीवन, आज मैं आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको फ्लैट 750 रुपये का प्रॉफिट हो जाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यह है एक डीमैट अकाउंट है इंडिया का, ये रजिस्टर्ड है इसमें, ये कोई स्कैम वाला एप्लीकेशन नहीं है। आप अगर FNO, फ्यूचर ऑप्शन, ट्रेड, स्टॉक्स कुछ भी अगर करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, और नहीं करना है तो फिर भी कोई बात नहीं। बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है, एक्टिवेट करना है, और उसके आपको अभी उसमें चल रहा है पर रेफर 750 रुपीज़ करके। मैं दिखा देता हूँ ओपन करके, एक मिनट। ऑफर ये एंजल वन का तरफ से आ रहा है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेट 750 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो पैसा है आपको पहले इसका आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको पहले एक ट्रेड लेना पड़ेगा, वो जैसे वो कंप्लीट हो जाता है आप अपने दोस्त को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, रेफ़र करके उसको भी सेम प्रोसेस करना है। इधर प्रोसेस बताया गया है, पहले व्हाट्सएप में आप इनवाइट करो, फिर उसके बाद एंजल वन में अकाउंट क्रिएट करो, KYC करना है, और आपको उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको ID मिल जाती है, उसके बाद आप रेफ़र करते रहो, हो जाएगा, 750 रुपया फ्लैट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई चीटिंग करते हैं, मैंने पहले भी इसमें कमाया है। ये पहले 1000 रुपया करके दे रहा था, उस टाइम पे मैंने 4 बंदों को रेफ़र किया था, चारों का मुझे 4000 मिल गया था। ठीक है, बाकी स्टेप्स बता देता हूँ, एक मिनट। तो आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन खोलोगे तब ये गेट स्टार्टेड वाला आएगा। गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करने के, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल देना, नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेट पे चल जाना। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, फुल नेम, और ये जो मेरा रेफ़र कोड होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इधर जाना है, यहाँ पे अपना ईमेल वेरीफाई करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड स्कैन करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा, पैन सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बैंक है वो लिंक करना है, आप चाहो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्च कर लेना, आ जाता है। उसके बाद आपको बैंक का डिटेल्स देना है, उसके बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन वाया आधार आपको यस कर देना है, उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर से KYC करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पे डालना है, OTP डालने के बाद जो आपका पिन है वो सेट कर सकते हो डिजी लॉकर का, यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद अलाउ करने के बाद ये यहाँ पे आपको एक सेल्फी अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जब वेरीफाई होते ही आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है, इंग्लिश हो या हिंदी हो जैसे भी आप करते हो, अपना हाथ से यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर होते ही फिर से यहाँ पे एक बार आधार को वेरीफाई करना पड़ेगा एंजल वन की तरफ से, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा OTP डालने के बाद, फिर यहाँ पे ये ऐसा आपको शो हो जाएगा, वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू कम्प्लीट द वेरीफिकेशन, इन द मीन टाइम डू यू वॉन्ट टू ऐड नॉमिनी, और यह कोई नॉमिनी ऐड नहीं करना है आप लोग को। ये लोग कहते हैं 3 वर्किंग डेज में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 1 से 2 दिन में ही आ जाता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जैसे अकाउंट आप लोग का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर खोल के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका ईमेल में भी आ जाए कि आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। उसके बाद जब आएगा, जब ID आ जाती है यहाँ पे, देखिए ऐसे करके आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, वो आप वेरीफाई करके फिर आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, फिर अपना पिन सेट कर लेना। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तब आप रेफ़र करना चालू कर देना, आप भी इनवाइट करना, और आपको पर रेफ़र पे जितने बंदों को आप इनवाइट करोगे उतने करके 750 रुपीज़ मिलता जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ओपन करने के बाद ही आपको एक ट्रेड कर लेना है, मिनिमम आप 10 रुपये का भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आइडिया का शेयर्स कितना चल रहा है, ठीक है, अभी 13 रुपया चल रहा है। ठीक है, आपको जस्ट एक बार बाय करना है, जो हो गया आ जाएगा, बाय करके एक नंबर यहाँ पर डालिएगा, यहाँ 13 रुपये इतना पड़ रहा है प्लस चार्जेस, बाय करके उसी में आपका जो ऑर्डर्स पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ से सेल कर देना, हो जाएगा, आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रेफ़र करना चालू कर दो, और अपने आप जिनको भी रेफ़र कराओगे उनको ऐड करना है,
उनको KYC कंप्लीट करना है, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ अमाउंट 20 रुपया हो, 30 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी लगा के एक बार जैसे मैंने दिखाया आइडिया का शेयर अभी कम पे है तो आप उसको परचेस कर सकते हो, एक बार बाय और सेल कर देना है, बस आपका काम ख़त्म। और आपको विद इन 7 डेज़, 2 से 7 डेज़ के अंदर आपको वाउचर मिल जाएगा, अमेज़न कोड वाउचर होगा। अमेज़न पे बैलेंस में आप इसको ऐड कर सकते हो, और अमेज़न पे से आपको कैसे बैंक में लेना है उसका भी मैं ट्रिक दे दूँगा। तो अभी के लिए आप लोग बस ऐसे करके रेफ़र कर लो, आपको आराम से हो जाएगा 750 करके फ्लैट, आप सभी का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप रेफ़र करो तो। और एक नहीं, आप जितने बंदों को रेफ़र कर पाओगे उतना रेफ़र कर देना, और उतना 750 करके ले लेना। और इसमें कोई स्कैम स्कैम है नहीं, ये एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है, इसमें ट्रेड होता है। ये इंडिया में जैसे बहुत कोई डीमैट अकाउंट है, पेटीएम मनी है, एंजल वन, ये रहा, ये जीरोधा भी है, आप स्टॉक्स है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, जितने भी है एप्लीकेशन से डीमैट अकाउंट, ये भी वैसा ही है। आप बिना चिंता लिए बेफिक्र होकर इनवाइट करो, और 750 करके एक फ्लैट कमाओ। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।